सऊदी अरब के मक्का में श्रद्धालु एक बार फिर काबा के पवित्र काले पत्थर को छू और चूम सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से काबा के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। इसके बाद वहां की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि उत्साहित श्रद्धालु काले पत्थर को छूकर दुआ कर रहे हैं। काबा से लगभग 30 महीने बाद घेराबंदी हटाई गई है। ये कदम उमरा की यात्रा से ठीक पहले किया गया है। आइए जानते हैं उमरा क्या है। हज की तरह उमरा में मुसलमान मक्का की यात्रा कर प्रार्थना करते हैं। ये हज से इस मायने में अलग है कि हज जहां एक विशेष महीने में किया जाता है, वहीं उमरा साल में कभी भी किया जा सकता है। उमरा के दौरान हज में किए जाने वाले कई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। उमरा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग मक्का के पास मदीना की भी यात्रा करते हैं। सऊदी अरब ने इस साल कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए ज़्यादातर प्रतिबंधों को हटा लिया। इस साल यानी 2022 में हज यात्रा 7 से 12 जुलाई तक हुई थी और इसमें कोरोना महामारी के बाद पहली मर्तबा लगभग सामान्य संख्या में लोग मक्का पहुंचे। साल 2020 में केवल 1000 लोगों को हज पर जाने की अनुमति मिली थी। उस साल केवल सऊदी अरब के लोग ही हज कर सके थे। दूसरे देशों के लोगों के मक्का की यात्रा करने पर रोक थी। साल 2021 में हज यात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई और इस साल लगभग 10 लाख लोगों ने मक्का पहुंचकर हज किया। अब जानते हैं क्या है ब्लैक स्टोन। इस्लाम में ब्लैक स्टोन या काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी एडम और हव्वा यानी ईव के ज़माने के हैं, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। ब्लैक स्टोन को इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र माना जाता था। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर मूलतः सफ़ेद रंग का था, मगर इसे स्पर्श करने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धर्मस्थल है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना ज़रूरी माना जाता है, बशर्ते उसके पास इसके लिए सुविधा हो और वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और 7 मर्तबा काबा के चक्कर लगाकर दुआ और अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु इसके बाद वहां कई और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। हज के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले यात्री मक्का से लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना शहर भी जा सकते हैं। मदीना में मस्जिद ए नबवी है, जहां श्रद्धालु नमाज पढ़ा करते हैं। मदीना की यात्रा हज का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, मगर वहां जो मस्जिद मौजूद है उसे खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया था, इसलिए हर मुसलमान इसे काबा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानता है। यहीं पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मज़ार भी है। हज यात्री उसके भी दर्शन करते हैं।